सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल दी राइडिंग सोल। आई एम बैक विद न्यू ब्लॉग। एंड गाइज, जैसे कि आपने पहला वाला ब्लॉग देखा उस पर मैंने बात करी थी कि हम लोग जा रहे हैं कोई क्वार्टर लीटर सेगमेंट सीसी बाइक लेने। तो गाइज, इसके पहले हम लोग आए थे KTM के शोरूम में एंड आज भी हम लोग आ रखे हैं KTM के शोरूम। तो ड्यूब टू 250 तो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैंने उसका ब्लॉग ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो इतना हार्ड टचिंग नहीं। बट जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ अपनी चॉइस के हिसाब से वो मुझे है बिटविलियन 250। तो गाइस, आज उसी के बारे में हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं कि वो बाइक क्यों ली जाए और मुझे इतनी पसंद क्यों है, और थोड़े छोटे मोटे मैं आपको रिव्यू बता दूंगा। अभी मैं आ रखा था और मैंने जो भी एस्टिमेट है सारा बाइक का ले लिया है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलो लेट्स नेक्स्ट फ्रेम बिगिन इन 3, 2, 1। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं हमारे बिटविलियन 250 सीसी सेगमेंट की। क्योंकि अब मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मैं स्वार्ट पिलियन पे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा मतलब ये टेस्ट नहीं है। हालांकि बाइक बहुत अच्छी है, आपको डिफरेंस मैं बता दूं कि बिटविलियन और स्वार्ट पिलियन में सिर्फ हैंडल का और ये आपके टायर्स का डिफरेंस है कि स्क्रैम्बलिंग ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको टायर्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। और हैंडल सिटी राइड और यू नो मतलब इतना आपको एडवेंचर के पर्पज़ पे ये बाइक बनाई गई है, ठीक है। तो आराम से आप इसको चाहो तो लेके एकदम अच्छे से घूम सकते हो। बट वो चीज़ अगर आप बिटविलियन में देखोगे तो नहीं मिलने वाली है क्योंकि हैंडल गाइस इसका कैफे रेसर वाला है, ठीक। और कैफे रेसर हैंडल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे आराम से कंटिन्यू चला सकते हो, ठीक है। तो ये है इस चीज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लुक्स की। तो गाइस, कैफे रेसर लुक में ये बाइक है इसलिए मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं इसको लेना चाह रहा हूँ। मैंने इसके एस्टिमेट की बात कर ली है और गाइस, अगर ये बाइक हमारे पास आती है तो 9-10 बीच को ये बाइक आने वाली है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये है गाड़ी। और देखो, गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें अब, तो गाड़ी में गाइस आपको लिक्विड कूल इंजन 250 सीसी विद 4-स्ट्रोक फोल्ड वाल्व DOSC इंजन मिलने वाला है, ओके। लिक्विड कूल है और इसकी BHP आपको 30 PS के आसपास मिलने वाली विद 9000 RPM। एंड अगेन गाइस, जो मेन चीज़ इसमें है वो ये है कि देखो, आपने मुझे कमेंट करके बोला था कि ये डोमिनार 250 ले लो, बट इसमें हम लोग को स्लीपर क्लच भी मिलने वाला है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो इसमें मेरे को अच्छी लगती हैं। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी की। तो 9.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है इसमें और मेरे ख्याल से 250 CC है तो आपको एवरेज अराउंड 35-45 के बीच में मिलने वाला है। डुअल चैनल ABS मिलने वाला है इसमें आपको। और देखो, लुक्स की बात देखो, मेरे पास जो मुझे रॉक कंपनी का एग्जॉस्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें सेम एग्जैक्ट वैसी कंपनी आपको एग्जॉस्ट भी दे रही है। और गाइस, अभी मैं इसमें आपको बैठ के दिखाऊंगा कि इसका जो लुक है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करो और फिर बाकी की बातें करते हैं आपसे, ठीक है। चलो अच्छे लगे होंगे। अगर कुछ और चीज़ें हैं जो उसकी बाकी रह गई वो मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें देखो कितना कूल आपको यू नो रिम मिलने वाले हैं और उसका टायर साइज़ मैं आपको बताऊं आगे का, 10x70 मिलने वाला है और पीछे आपको 1x50 टायर साइज़ मिलने वाला है। सेम अगर फिर से इसकी देखो, रिम्स कितने कूल रिम्स हैं गाइस इसमें। और यही आपका कुछ बैक के लुक्स की बात करें
तो ये देखो, ये लुक्स है बैग का, और यहाँ पे आपको कंपनी अलग से, मैंने बात करी तो अभी ये मड फ्लैप अलग से मिल रहा है, ठीक है, और कुछ एसेसरीज हैं जो और मिलने वाली हैं इसके साथ। और एक सीट टेक्सचर की बात करी जाए तो देखो, थोड़ी हार्ड एंड टफ, इसमें इतना कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। एक ग्रैब रेल दे दी गई है आप लोग को। तो ये है कुछ बेनिफिट्स इस बाइक के। अभी मैंने इसका ओवरऑल रिव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरी बात हो रखी है भैया से, तो इसका जब चलाने का मेरे को टेस्ट ड्राइव मेरे को जब मिलेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी क्या रिस्पॉन्स करती है ऑन रोड, एंड क्या इसकी जो कंफर्ट लाइन है वो क्या है, ठीक है। सो गाइस, होप करता हूँ आपको ये शॉर्ट रिव्यू अच्छा लगा हो। एज अ ओनर प्रेफरेंस मैंने ये रिव्यू दिया है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को बाइक ही बहुत पसंद थी, विट पिलियन। अभी मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। हाँ भाई, पास आओ पास आओ, लीड लीड लीड। ठीक है, थोड़ा लाइट में दिखाना है ज़रा, सही है, बस ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है ना। तो गाइज़, ये है पोस्चर बाइक का, और देखो ऐसे कोई पोस्चर आने वाला है। ज़्यादा तो नहीं इसको चला सकते हैं कंटिन्यू, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा राइड हो गई इस प्रेफरेंस पे मैं इस बाइक को लूँगा, अगर लूँगा तो, ठीक है। तो गाइज, होप करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मैंने एक शॉर्ट रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार विट पिलियन को भी देख लें हम लोग, कैसा इसका प्रेफरेंस है, कैसी इसकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में और कोई बाइक है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करो, वरना मैं श्योर, आई एम डैम श्योर कि मैं यही बाइक लूँगा, ठीक है। तो 9-10-20 तक का, 21 तक का ये बाइक आ जाएगी, ठीक। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो द ड्रिल, हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो वीडियो की नई अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो और ज़रूर से ज़रूर कमेंट डाउन करके बताना कि आप चाहते हो कि ये बाइक आए कि नहीं आए हमारे गैरेज में, वरना मैं तो श्योर इस बाइक को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस, करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे किसी बड़े से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।